नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? स्ट्रेस, टेंशन ना, कल एग्ज़ाम है, आई अंडरस्टैंड। तो बच्चों, आपने प्रिपरेशन बहुत कर ली। मैं आपके प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प करने आई हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ पी वाई क्यूज। ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर मैंने कुछ तो डाल दिया था, बट आई थॉट कि पी वाई क्यूज़ कर लें तो बेटर आइडिया आ जाएगा कि बोर्ड किससे के सवाल पूछ रहा है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे पी वाई क्यूज़ दिए हुए हैं आपको, तो इसके लिए आप देखिएगा, समझिएगा पॉइंट्स को और अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन सी का। अब सबसे पहले मैंने पेपर उठाया हुआ है जुलाई 2022 का, मतलब कि लास्ट ईयर का ही पेपर है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है रेक्टिफाई द एरर्स को रेक्टिफाई करना है। देखो, आपको है ना बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अरे यार चैप्टर में क्या था कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हल्का हल्का सा ही चेंज होगा, ठीक है, शायद वो आपका कभी ध्यान में है, बट बहुत हल्का, ऑलमोस्ट वॉवल्स में, प्रिपोजिशंस में, इनमें ही वो बदलते रहते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस वगैरह में, तो बस उतना ही ध्यान दिए। चैप्टर के बारे में आपने चैप्टर रीड नहीं किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए हम जैसे कोशिश करते हैं इसे पढ़ने की। किजा गौतमी हैड अ ओनली सन, पता चला क्या मिस्टेक है? देखो ओनली आया, अब ओनली वोवेल ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ के आगे, मतलब वोवेल के आगे तो एन लगता है ना, अ थोड़ी लगता है, और इन्होंने यहाँ पे अ दिया हुआ है, हो गया मिस्टेक करेक्ट। तो ए की जगह क्या हो गया? एन हो गया, है ना। एंड शी डाइड, अब देखो फिर से ये हमारी ना सूझबूझ की एग्जाम ले रहे हैं। जबकि कीसा गौतमी का एक ही बेटा था, तो जब बेटा था तो शी तो आएगा नहीं, ठीक है, एंड ही डाइड आएगा ना, वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे शी की जगह क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए। ओके, इन हर ग्रीफ शी कैरीज द डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स। अब देखो पूरा का पूरा बेटा किस में है? पास्ट टेंस में है ना, हैड आया, ये डाइड आया, तो ये कैरीज जो है वो तो प्रेजेंट टेंस हो गया, तो ये चीज़ गलत आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत बेसिक ग्रामर का टेस्ट होता है बेटा। ओके, तो क्या आना चाहिए? कैरीड आना चाहिए। ओके, आस्किंग देयर फॉर मेडिसिन, आस्किंग उनकी मेडिसिन के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ओके, आस्किंग देम फॉर द मेडिसिन, उनसे पूछ रहे कि आपके पास मेडिसिन है, ठीक है, उनके पास पूछ रहे हैं, उनकी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? देम। बात समझ आई अच्छे से? चलो शाबाश। नेक्स्ट पंक्चुएशन। ओके, नाउ पंक्चुएशन भी बहुत इजी होता है, देखो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मार्क लगता है, कॉमा रहता है, ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है, मे वी स्टार्ट नाउ डैश मैडम डैश इनवर्टेड कॉमा, अब कॉमा क्लोज हो रही है, यहाँ पे कॉमा क्लोज हो रही है, और स्टार्ट कहाँ से? मे, मे मतलब क्वेश्चन से, तो सीधी बात है 36 नंबर में तो क्वेश्चन मार्क ही आएगा, तो इतना तो क्लियर हो गया। तो मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मतलब कि स्टेटमेंट खत्म हो गया, परमिशन ले रहा, तो वो स्टेटमेंट खत्म हो के जब मैडम कह रहा है तो बीच में क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 35 नंबर पे क्या आना चाहिए? कॉमा। 36 पे क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। ओके, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, ओके, देन ही ब्लू हिज विसल। अब देखो द देन में टी कैपिटल है, मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, तो 37 में क्या आना चाहिए बेटा? फुल स्टॉप। ओके, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस, ठीक है, उसने दो बार सीटी बजाई और फिर बस चलना। अब उसने सीटी बजाई, ये उसका काम है, बस चल रही है, ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ क्या है? कॉमा। ठीक है, देन उसने सीटी बजाई, पॉज, उसके बाद बस चल रही है, तो आगे कंटिन्यू, तो वो जो पॉज आया उसमें कॉमा आएगा। ओके, बेसिक ग्रामर है और बेसिक पंक्चुएशंस है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल कंजक्शन प्रीपोजिशन से है, ठीक है। अब आपको एंड, इन, द, बाय, ये चार आपको इसमें एप्लीकेबल करना है। देखो ये स्टेटमेंट ना पढ़ते पढ़ते आपको ऑलमोस्ट एक इंस्टिंक्ट आ ही जाता है कि ये सूट करता है। जैसे कि द सेरेमनी टुक प्लेस, कहाँ पे हुआ? इन द लवली, ठीक है, कहाँ पे हुआ? टेक प्लेस सब कहीं तो हुआ होगा, तो इसके लिए जहाँ पे भी हुआ वो क्या हो जाएगा? इन 39 में इन द लवली सैंडस्टोन एमपी थिएटर फॉर्म्ड डैश द, किसने बनाया? फॉर्म्ड बाय द, ठीक है, नॉर्मल है ग्रामर, तो किसने बनाया है? यूनियन बिल्डिंग ने बनाया है, तो बाय द यूनियन बिल्डिंग फॉर डीकेज दिस हैड बीन, ओके, सालों से ये जगह जो है वो वाइट सुप्रीमेसी के अंडर थी, ठीक है, तो वाइट सुप्रीमेसी अभी भी है, उसकी जगह उसने छीन ली, तो इसके लिए द, मतलब कि उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वाइट सुप्रीमेसी कौन है, गोरे लोग, ठीक है, तो पता है, तो इसलिए द आएगा। ओके, फिर लास्ट में क्या बच गया?
अब एंड एंड नाउ, ठीक है, तो बस हो गया डन। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट। ओके, तो इनडायरेक्ट में करना है, क्या कह रहा है? लोमो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टेफन स्टेफनविच। ठीक है, अब लोमो वो सॉरी लोमो क्या कह रहा है? नो, फुल स्टॉप। मतलब कुछ बातचीत हो रही है जिस पे उसने डिनाई कर रहा है और वहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि वो नो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसा होता है, वो चुगली वाले काम होता है। ठीक है, लड़कियों को आंटी को देखा चुगली करते हुए, पता है जो घटना घटती है ना वो एज इट इज घटना सुनाई जाती है। ठीक है, फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क सब कुछ एज इट इज रहता है। कभी आंटियों की बातें सुनना या वो कभी डेली सॉप देखना, उसमें ये चीज़ें बहुत होती है। ठीक है, तो इसके लिए ये इंडेक्स भी इज नथिंग बट चुगली करना। तो जब आप चुगली करोगे तो चुगली एक्यूरेटली करनी, तो जब नो आया तो नो को भी लिखना पड़ेगा अपने को। तो कैसे लिखेंगे? लोमो मना कर रहा है ना, सो लोमो डिनाइड। ओके, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेफन। ठीक है, स्टेफन को कह रहा है मैं तो आपको देखने आया हूँ, एंड स्टेफन को कह रहा है ना टोल्ड स्टेफन स्टेफनविच। बड़े अजीब नाम होते हैं सही में, स्पेलिंग भी गलत हो गई, अब समझ लेना स्पेलिंग स्पेलिंग जो भी है। ओके, क्या कह रहा है, क्या बोला? अब जैसे मुझे बताना है कि लोमो जो है ना स्टेफन कह रहा है कि वो सिर्फ उनसे ही मिलने आया है, वो मतलब ही। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड फॉर्म के अंदर, तो सेकंड पर्सन के अंदर। तो बेसिकली आई का क्या हो गया? ही। ओके, स्टेफन दैट ही। ओके, हैव का क्या होगा बच्चा? हैड। कम का कम ही रहेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ कम इज कम होता है। ओनली टू सी यू, किसको देखने आया है? स्टेफन को, तो ओनली टू सी हिम, खत्म। ओके, फिर कौन आ रहा है? चुब्बू को। देन वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस माई प्रिशियस। तो ये सुनने के बाद जो चुब्बू को है वो बोल रहा है, तो सुनने के बाद उसने बोला ना, तो क्या लिखोगे? ऑन हेयरिंग दिस चुब्बू को। ओके, चुब्बू को अब कैसे बोला? माई प्रीशियस ना, जैसे बोलते हैं ना मेरी प्यारी बहना, ओके मेरा प्यारा भाई, ओ डियर, तो एड्रेस कर रहे हैं, तो एड्रेस कर रहा है उसको वो। सो एड्रेस्ड हिम, किसको कर रहा है? लोमो को कर रहा है ना, हिम एस हिज हिज प्रेशियस। ठीक है, हिज प्रेशियस। एंड आस्क्ड, क्या पूछ रहा है? Why are you in the evening dress? ठीक है, तो why, अब जब पूछेगा तो तुम थोड़ी सेम बोलोगे, वो उसने ना पूछ रहा है तो आप स्टेटमेंट को तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट करोगे ना उसको। तो why, अब आर की जगह आर यू, जो वर्ब और सब्जेक्ट में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यू का क्या हो जाएगा? ही, कि वो यहाँ पे क्यों आया। ही, आर का क्या हो जाएगा? वॉज, ही वॉज इन इवनिंग ड्रेस। ओके, एज इफ कंटिन्यू में रहेगा, एज इफ यू आर पेइंग, एज इफ यू सॉरी ही, यू का ही हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, ही वर पेइंग अ न्यू ईयर्स ई विजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है अभी नेक्स्ट में? ओके, डू एज डायरेक्टेड। अब ये पेपर लास्ट ईयर था कि एम सी क्यू के तौर पर पूछा जाता था। ठीक है, अब इस साल कुछ खास बताया नहीं है, एम सी क्यू आएगा आपको खुद को लिखना होगा, तो जैसे भी हुआ प्रैक्टिस तो करनी है हम लोगों को। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखो सबसे पहले पैसिव वॉइस में आपको देखना होता कि वर्ब वर्ब क्या है, तो मेड आया वर्ब, उसके साथ क्या है? हैड, मतलब कि ऑलरेडी पास्ट में है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में है। अच्छा, वर्ब के बाद ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और आगे वाला है सब्जेक्ट। तो अब अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो तो मीनो पैसिव के अंदर क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस बाय होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, ये पैसिव का होगा। चलो, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, फिर क्या होगा? अब हेड आया ना बेटा, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हेड, तो हेड के साथ क्या होना चाहिए? बीन आता है, तो देखो कहीं पे है ये, हाँ ये रहा, देखो
हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन, ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म मेड का मेड रहेगा, बाय ही का हिम हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एट क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग में क्या होता है ना, पूरा स्टेटमेंट सेम होता है, कॉमा लगाकर आप वर्ब देखो क्या है, वर्ब केम, केम इज द पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, डिड। अब स्टेटमेंट में नॉट है कहीं पे, नहीं है, अगर नहीं है तो लगाना होता है डिडंट, और जो आगे सब्जेक्ट होता है एज इट इज, तो आए है तो आए, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो ऐसा मैच कहाँ पे कर रहा है, सडनली ये रहा, ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इसके साथ। चलिए, लेंचो वॉज टू पुअर टू सो हिज फील्ड अगेन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, करेक्ट दिस स्टेटमेंट विदाउट यू, विदाउट टू, मतलब कि रिमूव टू करना है, तो जब भी रिमूव टू करना बेटा तो सो दैट लगाने का, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा लेंचो वॉज सो पुअर दैट, अब लेंचो ही है ना, ही, ओके, वॉज आया तो इसके लिए कुड आएगा। देखो प्रेजेंट टेंस होगा, कैन लिखोगे वरना कुड लिखोगे, ठीक है, और हमेशा नॉट आता है तो कुड नॉट, ठीक है। अब देखो इसके साथ मिलता जुलता स्टेटमेंट कौन सा है, लेंचो वॉज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, सॉरी ए वाला हो जाएगा, लेंचो वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट सो हिज फील्ड अगेन, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन है, डन, ये वाला। चलिए नेक्स्ट, नताल्या वॉज मोर एग्रेसिव देन लोमो, ठीक है, तो इसका मतलब कि लोमो उतना एग्रेसिव नहीं है, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उतना एग्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो लोमो वॉज नॉट मोर एग्रेसिव, ठीक है, तो लोमो वॉज नॉट नॉट सो एग्रेसिव एज नताला, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है, डन। नेक्स्ट, मतलब कि ये आपका हो गया बी वाला, ओके, नाउ अब क्या होगा नेक्स्ट, डू यू थिंक इट इज क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, कन्वर्ट इन टू असर्टिव लैंग्वेज, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब असर्टिव के अंदर मतलब क्वेश्चन मार्क को हटाकर नॉर्मल आपको सेंटेंस में लेके आना है। अब पहले तो आप ये देख लो यहाँ पर कि डू यू है, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस हुआ, ओके, वांडा है तो कैसे लिखोगे, इट इट, ओके, इज, अब यहाँ पे नॉट नहीं है ना, ठीक है, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आप नॉट लगाओगे, ठीक है, तो इट इज़ नॉट क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, तो अभी कहीं पे नज़र आ रहा है, ओके, हाँ ठीक है, ये हो गया बी ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट, ओके, फिर से करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर का एरर, मतलब सेक्शन सी, ऑल एंड ऑल द मॉर्निंग, ओके, और ये मॉर्न जो होता है, मॉर्न मतलब दुखी, ठीक है। अब ये मॉर्न नहीं है, ये मॉर्निंग वाला मॉर्न रहेगा, ठीक है, तो इसके लिए यहीं पर ही मिस्टेक हो गई, सवेरे सवेरे आना चाहिए ना, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, होल मतलब पूरी फैमिली, अब ये होल मतलब छेद, मिस्टेक यहीं पता चल रहा है, ठीक है, क्या होना चाहिए, होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट इन द बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू के ऊपर चढ़ते और अंदर थोड़ी जाओगे, ठीक है, तो इसमें एरर क्या हो रहा है, इन का एरर हो रहा है, ओके, इन की जगह क्या आना चाहिए, ऑन आना चाहिए, ऑन द बिग प्लेट्यू मिड अवे डाउन अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम, ठीक है। अब उसके सामने ही है तो वो चीज़ स्थित है, ऑलरेडी प्रेजेंट, तो अ नहीं आएगा, ध आएगा, जो चीज़ ऑलरेडी होती है वहाँ पर हम ध लगाते हैं, तो वहाँ पे अ की जगह क्या हो गया, ध हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंक्चुएशन द फॉलोइंग पैसेज प्रॉपरली, ओके, डैश डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, कॉमा क्लोज्ड, अभी कॉमा है और यहाँ पे कॉमा नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन डू यू से स्टार्ट हो रहा, मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो 37 में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सॉरी 36 में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, 37 में कुछ नहीं आएगा, तो 35 में क्या हो गया बेटा, इन्वर्टेड कॉमास, 36 में क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब ना ये बोर्ड का पेपर है, ठीक है, अब ये बोर्ड वालों ने ये चीज़ जानबूझ के दी 37, या उनसे एरर हुआ वो हमें नहीं पता, ओके, अब कॉमा क्लोज्ड, फिर क्या राजीव बोल रहा है, अब जब कॉमा क्लोज हो गया तो फिर 37 में क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कॉमा क्लोज हो गया, ठीक है, तो
अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो उसके अंदर ना बेटा कुछ है ही नहीं, सिंपल राजीव सेड है, तो मतलब कि 37 में कुछ आने ही नहीं वाला है। ओके तो आप क्रॉस करके आ जाना। ओके राजीव सेड स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, तो 38 में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। अब 38 में एक्चुअली फुल स्टॉप उन्होंने दिया हुआ है पीछे की तरफ, तो क्या लिखें, ये एरर हुआ था लास्ट ईयर के पेपर में। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर आर्टिकल्स कंजक्शन प्रीपोजिशन। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, किसके लिए। देखो ये वाले जो होते हैं ना, ये आपको स्टेटमेंट जब रीड करोगे ना तो आपको अपने आप वो चीज़ लाइक इंस्टेंटली आ जाएगी क्या लिखना है अबाउट। ठीक है, एनीथिंग बट, ठीक है, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। ओके वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है। ओके चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर। अब इन टाइम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड क्या बोला, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल से बोला है ना, मतलब उनका नाम पुकार रहे हैं, एंड कॉल्ड आउट टू पेरिस कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि उसने फोन लगाया पेरिस कंट्रोल को, डकोटा DS 088 हेयर। ठीक है, फिर उनको बोला, मैंने उनको बोला तो आई टोल्ड देम दैट, प्लेन का नाम बताया, पायलट के नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मेन तो प्लेन का नाम होता है, तो इट वॉज, अब ओके इट वॉज डकोटा DS 088 हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। इतना क्लियर हो गया। ओके फिर क्या कह रहे हैं, कुड यू कैन यू हेयर मी। ओके तो फिर अब दोबारा पूछ रहे हैं कि कोई मुझे सुन रहा है यहाँ पे, तो आई देन आस्क्ड देम। अब देखो बेटा, कैन यू हेयर मी मतलब कैन से, मतलब ये क्वेश्चन जो डब्ल्यू एस से स्टार्ट नहीं हो रहा, डब्ल्यू एस से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो तो डब्ल्यू एस से ही स्टार्ट करना पड़ता है आंसर। जब कैन डू मे ऐसा कुछ आता है तो हम लोग इफ़ या वेदर से स्टार्ट करते हैं। आई देन आस्क्ड देम इफ, ओके यू का क्या हो जाएगा, दे। If they, can का क्या हो जाएगा, could. If they could hear me, I am on my way to England. Final उसने ये बोला, okay, तो finally I told them that I am का क्या हो जाएगा, was. I was on my way to England. ओके ओवर, मैसेज ओवर हो गया, तो क्या लिखोगे, द मैसेज वॉज ओवर। ठीक है, इजी था। चलिए आगे, डू एस डायरेक्टेड क्या कह रहे हैं ये जनाब। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, चेंज द वॉइस। ठीक है, अब अगेन पहले पहले तो मेन वर्ब देखो। ठीक है, मेन वर्ब क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी। ठीक है, इट ऑब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट हेल्पिंग वर्ब। अब पैसिव क्या होता है, पहले पहले तो आएगा ऑब्जेक्ट, तो इट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा कुड नॉट, अब कुड आया तो सभी बी आता है। ठीक है, कुड नॉट बी, फिर मेन वर्ब आएगा सी, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। ओके इट कुड नॉट बी सीन एनीवेयर बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, कोई बन रहा है इसे, इट कुड नॉट बी सीन एनी वेयर बाय मी। ओके बी, ओके बी सही है। चलो, इट डजेंट मैटर, मेक इट अफर्टिव, अफर्मेटिव। ओके इट डजेंट मैटर लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट डज मैटर मतलब फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होता, होना चाहिए, इसका मतलब कि इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी, इट हार्डली मैटर्स। नेक्स्ट, द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल, एड क्वेश्चन टैग, मैंने कहा था फुल स्टॉप हटा के कॉमा लगाओगे। ठीक है, जो वर्ब है वो वर्ब लेके आओगे, हेल्पिंग वर्ब, वर नॉट नहीं है तो वर्न्ट, आगे सब्जेक्ट क्या है, द 100 ड्रेसेस मतलब कि दे, द
देखो ऑप्शन कहीं भी आ रहा है ये, ओके हाँ सी ऑप्शन, ओके नाउ दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी एस्टेट, मेक इट सिंपल। देखो सिंपल बनाने के लिए ना ऑलमोस्ट हम कैसे इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, हैविंग ऐसा कुछ यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा स्टेटमेंट सिंपल हो जाए। तो अब अगर देखो तो ऑलमोस्ट क्या है, जब आपका वर्ब होता है क्रॉस करना, ठीक है क्रॉस्ड, तो जब आप वर्ब को जेरंड करके आईएनजी के तौर पे यूज़ कर लेते हो ना तो आपका वो सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है। तो साफ साफ जो है वो दिख रहा है यहाँ पर, क्रॉसिंग अ कैटल ब्रिज एंड हटा देंगे हम लोग, ठीक है दे एंटर्ड द एस्टेट, ठीक है तो सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, ठीक है सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ क्या थी, बस ही तो थी, एक्सक्लेमेशन में लाना है, ठीक है तो व्हाट अ फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। अब सबसे पहला पॉइंट कि ये क्वेश्चन जो है वो है ही गलत, बोर्ड ने अभी मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है, जब हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी में जाना है तो क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है, एक्सक्लेमेटरी साइन होनी चाहिए, बात समझ आई, ठीक है। तो अब ये मिस्टेक बोर्ड के पेपर में है ना, तो ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़ के आना ही मत, क्यों, क्योंकि जहाँ मिस्टेक बोर्ड की प्रिंटिंग में होती है वहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं। अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो सही गलत कोई नहीं दिखता, अगर आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन और ये मिस्टेक थी आपके पेपर में, आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है तो इसका मतलब ये है कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो हालांकि अभी इसका आंसर तो ए है और पीछे एक्सक्लेमेटरी आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेपर 21 का, ओके एरर देख लेते हैं क्या है। इट सेड डबल कॉलन गॉड डबल कॉलन बाय द मनी दैट, अब गॉड के बाद डबल कॉलन क्यों आया, ठीक है हम क्या बोलेंगे, इट सेड हे भगवान पैसा दे दो, तो हे भगवान इट्स एन एक्सक्लेमेशन, भगवान थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे भगवान के बाद वाला जो डबल कॉलन है ना गॉड के बाद, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लेमेशन के अंदर। आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड, ठीक है अब एक्चुअली सिर्फ 70 इन्होंने कहा रिच बोला है, ठीक है द पॉइंट लाइक रिच मतलब कि पैसे वाला, जबकि 70 पैसों ही उसको मिले, ठीक है तो रीच्ड आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया रिच का रीच्ड वन, सेंट मी द रेस्ट मुझे और भेजो, तो सेंड आएगा ना, सेंड मतलब कि भेज दिए हैं, पर हम कह रहे हैं कि और भेजो तो सेंड आना चाहिए, ठीक है तो सेंट जो है वो एरर है और करेक्शन क्या होगा सेंड, ओके आई नीड इट वेरी मोर मच आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मोर तो नहीं आएगा ना मच आएगा। देखो ग्रामर में थोड़ा बहुत आपका इंस्टिंक्ट्स भी काम करता है, ठीक है चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल्स, ओके क्या है एंड ऑफ दैट और ध लगाना है, डैश ग्रेट एक्सपांस एंड आएगा नहीं, पहला स्टेटमेंट ऑफ नहीं आएगा, दैट ग्रेट एक्सपांस नहीं आएगा, ध से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है तो 32 नंबर क्या आया द ग्रेट एक्सपांस कहाँ का डैश सी स्ट्रेस डाउन बीनेथ, ओके ऑफ सी बीनेथ स्ट्रेस डाउन बीनेथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे। देखो खुद ही जबान पे ना अपने आप प्रपोजिशन आते जाते हैं या कंजक्शंस, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, खुद ही बन गए, ठीक है नाउ इन डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। चलो वली शाउटेड आई एम ऑन द वे हु हैज टू गेट ऑन, ठीक है वली बोल रही कि मैं हूँ मुझे बस में आना है, ठीक है तो क्या हो जाएगा इस तरीके से वली शाउटेड दैट आई का क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन शी वॉज द वन हु हैज का क्या हो जाएगा बेटा हैड ओके टू गेट ऑन, इतना क्लियर। द बस कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो, ठीक है मतलब सोचा कि तुमने सब बताया नहीं कि तुमको ऊपर आना है, ओके तो द बस कंडक्टर अब पीछे साइन क्या बेटा एक्सक्लेमेटरी की साइन है तो हम क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, द बस कंडक्टर एक्सक्लेम्ड दैट शी डिडंट से सो, ओके फुल स्टॉप
शी सेड, अब उस पर से रिप्लाई कर रही है, ठीक है, तो शी रिप्लाइड दैट आई, ओके शी रिप्लाइड, दैट नहीं आएगा, ओके शी रिप्लाइड शी कुड, ओके कैन का क्या होगा, कुड, शी कुड गेट ऑन बाय माई सेल्फ, बता कि हर सेल्फ, वो खुद चढ़ सकती है बस पे, हर सेल्फ, ठीक है, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, और आगे उसको वो कह रही है एंड, ठीक है, एंड यू मतलब कौन, कंडक्टर, ही, डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट, ही डिडंट हैव का क्या हो जाएगा, हैड, हैड, टू हेल्प मी का क्या हो जाएगा, हर, ओके बहुत बेसिक बेसिक कन्वर्जन्स करते जा रहे हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट, ओके क्या क्वेश्चन कह रहा है, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एड अ क्वेश्चन टैग, कॉमा लगेगा, ठीक है, अब रिमेन्ड पास्ट टेंस हुआ तो डिड आएगा, ओके क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉट है तो नॉट नहीं आएगा, लीफ जो होता है वो ही शी में नहीं आता, इट में आता है, तो क्या आएगा, डिड इट क्वेश्चन मार्क, ए ऑप्शन, ठीक है, नेक्स्ट, आई लुक्ड द कंपास, चेंज द पैसिव वॉइस, अब लुक्ड जो हो गया वो वर्ब हो गया, लुक्ड एट, ठीक है, वर्ब हो गया, कंपास ऑब्जेक्ट हो गया, और आई सब्जेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब लुक्ड है तो पास्ट टेंस है तो वॉज लगेगा, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके तो अगर आप देखो तो आपके पास ये बन रहा है, द कंपास वॉज लुक्ड एट, ओके बाय मी, ओके आई का मी हो जाएगा, नेक्स्ट, दे क्वैक्ड टू मच नॉट टू बी बिटन टू डेथ बाय द फादर, ओके तो अब ये क्या कह रहा है, दे क्वैक्ड टू मच, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विदाउट टू, ठीक है, टू हटाना है तो जब हमें टू हटाना होता है तो हम सो दैट लगाते हैं, तो कैसा बनेगा, दे क्वैक्ड सो मच दैट दे, ओके अब क्वैक्ड पास्ट टेंस है तो कुड नॉट आएगा, ओके सो दैट दे, ओके नॉट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, तो नॉट हटाना पड़ता है अपने को, तो नहीं आएगा, ठीक है, और क्वैक्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास पास्ट टेंस है तो वर आ जाएगा, सो दैट दे वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, दे क्वाइट सो मच दैट दे वर, कहीं मैच हो रहा है, दे क्वाइट सो मच दैट दे वर बीटन, ओके बी ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट, डोंट यू थिंक दिस इज, डोंट यू थिंक इट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, अब आप बोलोगे मैम सेम क्वेश्चन है, पहले वाला देखा था ना, रिवाइंड करके देख लेना, पहले वाला देखा था उसमें डू यू था, डू यू थिंक, अब इन्होंने कहा डोंट यू थिंक, ठीक है, सेम है, उसमें डोंट नहीं था, उसमें डोंट दे दिया, अगर इसमें डोंट दिया इसका मतलब हमें आंसर में डोंट मतलब नॉट नहीं चाहिए, ओके तो क्या होगा इसके अंदर, इट, ओके डू है तो प्रेजेंट टेंस आ जाएगा, ओके तो इट इज इंडीड अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, ठीक है, यही हो गया, द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, अब इंट्रोगेशन में क्या होता है ना, ये जो हमारा वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, ठीक हैज़, फिर नॉट है तो नहीं लगाएंगे, और पूरा स्टेटमेंट एज इट इज़, तो क्या हो जाएगा, हैज़ द फायर इन द फर्नेस, कहीं मैच कर रहा हैज़ द फायर इन द फर्नेस येट बी एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, ये वाला मतलब सिर्फ इंट्रोगेशन में जो वर्ब होता है ना वो आगे लग जाता है, अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नहीं लगाओगे, अगर नॉट नहीं है तो लगाओगे, फिर पूरा स्टेटमेंट सेम हो जाता है विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, वॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बेकिंग वॉज इन द ओल्ड डेज, असर्टिव में आना है, ठीक है, अब असर्टिव में आपको एक्सक्लेमेटरी दिया, एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव जो होता है वो सेम होता है, मतलब आपको इसके लाइक अगर वो पॉजिटिव में है और नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा उसके अंदर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेकिंग वॉज अ वेरी प्रॉफिट, ओके बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, ठीक है, बेकिंग वॉज प्रॉफिटेबल पोजिशन, ओके इंडीड आया मतलब, ओके वेरी को हटा के वो लोग इंडीड वगैरह यूज़ कर लेते हैं, चलिए टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, ओके अब एक्सक्लेमेशन में कन्वर्ट करना है तो हाउ पॉपुलर टी इज, ओके ना नेक्स्ट पेपर क्या कह रहा है यहाँ पे, ये रेक्टिफाई द एरर्स, ठीक है, कहाँ का पेपर है, 2020 का पेपर है, ना द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू अप्लाउड एंड इवन द बॉय वर ग्लैड, अब वर आया ना तो वर मतलब प्लूरल, तो बॉय की जगह क्या होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए, ठीक है, तो
बॉय की जगह क्या आ जाएगा, बॉयज। अब आप बोलोगे मैम हमें काम करें ना, हम लोग वर को आर में कन्वर्ट कर ले, तो आपकी बात तो सही है, मैं मना नहीं करूँगी, बट ये चैप्टर में से है तो हमें थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। बॉयज वर ग्लैड टू हैड अ चांस टू स्टेम, ठीक है। अब हैड नहीं आएगा, हैव। ओवर द फ्लोर नहीं, ऑन द फ्लोर आता है, ठीक है। पुट द फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, ठीक है। पुट देयर फिंगर्स, पुट द फिंगर्स इन देयर माउथ, तो देयर ये जो टी एच ई आर है वो पॉइंट कर रहा है कि वो जगह, ठीक है, जबकि माउथ आना चाहिए, तो ये जो देयर है वो हटा के क्या आना चाहिए, देयर। थ्रू दे वर नॉट, अब थ्रू नहीं, दो दे वर नॉट, ठीक है। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ड्रेस, ड्रेसेस में इंटरेस्ट, ओके, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, एट नहीं आना चाहिए, डन। चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स, क्या कह रहे हैं। ट्रीज, ओके, एंड बिफोर एज बट द और इन लगाना है हमें। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट, ठीक है, बट देन स्टॉप, पहले आ रहे हैं, ठीक है, फिर स्टॉप हो गए, तो 29 में क्या आ जाएगा, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड, ठीक है, जैसे बस वहाँ पे पहुँची, एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे, rushing away in the other direction. चलो now punctuations. The people pitied her and said here is mustard seed, take it, ठीक है, punctuate लगाना है हम लोगों को। The people pitied her and said के बाद comma आएगा, ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले inverted comma आएंगे, क्योंकि बोलना है तो commas आते ही हैं, okay, said here is mustard seed, ठीक है, फिर आएगा सेमी कॉलन, क्योंकि आगे वो कंटिन्यूटी में है, टेक इट फुल स्टॉप लगाना है, तो आप यहाँ पे एज पर द बुक एक्सक्लेमेशन भी दिया हुआ है तो वो लगा दिया मैंने। नाउ कन्वर्ट इनटू द इंडेक्स स्पीच। नतालिया, आई हैव नोटिस्ड दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लीस्ट, ठीक है, तो नतालिया कह रही है, ठीक है, किसको कह रही है, लोमोवो को कह रही है, ओके, सो नतालिया टोल्ड लोमो दैट आई हैव, मतलब कि शी हैव का क्या हो जाएगा, हैड, शी हैड नोटिस्ड दैट दोज हंटर्स आर्ग्यूड, पास्ट है ना, आर्ग्यूड मोस्ट हु नो का क्या हो जाएगा, न्यू, हु न्यू लीस्ट, ओके। अब इसमें लोमोव क्या रिप्लाई कर रहा है, मैडम प्लीज बी साइलेंट, माई हार्ट इज गोइंग टू पीसेस, शट अप, ओके, तो अब यहाँ पे लोमोव रिप्लाई कर रहा है, पर पहले तो रिक्वेस्ट कर रहा है और मैडम बोल रहे हैं, मैडम रेस्पेक्टफुली, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लोमो एट फर्स्ट रिप्लाइड respectfully and please, मतलब request किया उसको, and requested her to be silent as my heart, मतलब his heart, as his heart was going to pieces. Shouts, अब चिल्ला रहा है इसके ऊपर और कह रहा है shut up, ठीक है, and then shouted, उस पर चिल्लाया ना, तो at her and said her to shut up, ठीक है, full stop, done। चलिए आगे शुरू करते हैं, transformations क्या कह रहा है,
When he finished, he went to the window to buy a stamp. Make a compound sentence. Compound में हम लोग क्या करते हैं, कॉमा हटा के कंजक्शन वगैरह यूज़ कर लेते हैं. तो इसके लिए जो आगे when है वो हटा देना है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, he finished and, अब ही तो पहले ही आ गया तो बाद में ही लगाने की ज़रूरत नहीं है. and went to the window to buy a stamp, ठीक है. The sun was now ascending the sky. Add a question tag. अब मैं इसको यहीं पे कर लेती हूँ. ओके, तो क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन टैग लगाना है तो कॉमा लग जाएगा. पहले स्टेटमेंट कंप्लीट. ओके, वॉज का वॉजंट, सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट क्वेश्चन मार्क, ठीक है. यहीं मैंने कर दिया. नाउ नेक्स्ट, नो सूनर, ओके, एज सून एज द क्लास assembled, Miss Mason announced the winner. अब कह रहा है कि use no sooner than, तो as soon as काट लेना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, no sooner, अब assembled है मतलब past tense, तो क्या लगेगा, did. no sooner did the class, अब assembled में से ed हट जाएगा, ठीक है, assembled में से ed हट जाएगा, assemble, then, बाकी कंटिन्यू. देन मिस मैसन अनाउंस द विनर, ठीक है. नाउ देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, ठीक है, कुछ आर्ग्यू करने के लिए है ही नहीं, तो क्या होगा, देयर इज एनीथिंग टू आर्ग्यू अबाउट. ओके, मेक इट अफर्मेटिव है ना, नथिंग का क्या हो जाता है, एनीथिंग, समथिंग भी लिख सकते हो. ओके, नाउ चेंज द डिग्री, क्या है, ऑटर्स आर एज कॉमन एज मस्कीटोज इन द टिग्रीस मार्शेस, ठीक है. तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, एज कॉमन एज मतलब कि ये नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है. तो हम इसको कन्वर्ट करें कंपेरिजन के अंदर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मॉस्किटोज आर नॉट मोर कॉमन, ठीक है. क्या बोला कि ऑटर और मॉस्किटो समान ही, मतलब जितने ऑटर है उतने मॉस्किटोज है, तो ज़्यादा तो है नहीं ना, तो मॉस्किटोज आर नॉट मोर कॉमन देन ऑटर्स इन द टिग्रीस मार्शेस. ओके बच्चों, सो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन सी पूरा कंप्लीट कर दिया. आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है. पी वाई क्यू सी की है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है. आपको बेसिक नॉलेज अगर इंग्लिश ग्रामर का अच्छे से है तो आप आराम से सेक्शन सी जो है वो क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो बच्चों, अभी भी रात बाकी है, शाम बाकी है, अभी भी मेहनत करना बहुत बाकी है. ये सब मैंने अपलोड किया हुआ है. अब इसके बावजूद अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो डू कमेंट मी. मैं रात को थोड़ा लेट नाइट आपको मैं वीडियो सेंड कर दूँगी. तो अगर आपके पास कुछ है कि और अभी भी आपको कुछ सीखना है, मेरे यहाँ से कुछ और हेल्प चाहिए, मुझे जितना समझ में आया मैंने वो सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, तो कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है. ऐसा हुआ तो मैं आपको रात को लेट ही सही पर थोड़ा आपको मैं वीडियो दे दूँगी, ठीक है बच्चों. और बस मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए, टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है, रिलैक्स होकर रहिए. और पेपर कैसा गया ज़रूर आके बताइएगा मुझे मैसेज, इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा मैम पेपर अच्छा गया कैसा गया, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है. आपके साथ साथ हमने भी बहुत मेहनत की है, तो खुशी होती है ना कि जब हमारे व्यूअर्स, हमारे जो बच्चे हैं, जब हमें देखते हैं और जब हमारी मेहनत रंग लाती है, बच्चों का पेपर अच्छा जाता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है. तो प्लीज़ आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि पेपर कैसा गया आपका. तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर इसमें कोई डाउट नहीं हो तो मैं फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम का वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. तो तब तक आप बस पढ़ते रहिए. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चा, डू हार्ड वर्क एंड वी आर विथ यू, आवर ब्लेसिंग्स आर विथ यू, ऑल द बेस्ट.